खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यहाँ कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गई हैं। जी हाँ, गाडरवारा से विधायक जो हैं वो सुनीता पटेल धरने पर बैठी हैं। गांधी जी की प्रतिमा के पास उन्होंने ये धरना दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक धरने पर बैठी हैं। गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल धरने पर बैठी है, गांधी जी की प्रतिमा के पास दिया है उन्होंने धरना। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठी हुई हैं। अब बता दें, गाडरवारा से विधायक हैं सुनीता पटेल जो धरने पर बैठी हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सनी, हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हैं। सनी, आज एक दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है और अब विधायकों का धरना भी शुरू हो गया है। गाडरवारा से विधायक सुनीता पटेल इस वक्त धरने पर बैठी हैं। क्या उनकी मांग है, क्या उनकी नाराजगी है? हेलो सनी जी, बोलिए। सनी, विधानसभा मानसून सत्र का शुभारंभ हो गया है, एक दिवसीय सत्र है, विधायकों की नाराजगी भी देखना शुरू हो गई है, जहां पर गाडरवारा से विधायक सुनीता पटेल धरने पर बैठी गांधी प्रतिमा के सामने। क्या वजह है उनकी नाराजगी की? जी बिल्कुल निश्चित ही, देश भर में पहली बार एक दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है और अब विधायकों की नाराजगी भी सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक, गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल विधानसभा के गांधी जी प्रतिमा के पास धरने में बैठी है। नरसिंहपुर से एडिशनल एसपी राजेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई के मांग को लेकर विधायक ने आंदोलन दिया और विधायक का जो है सुनीता पटेल, उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार पुलिस विभाग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेत खनन प्रतिबंध के बाद रेत का अवैध खनन हो रहा है और गाडरवारा में पुलिस के संरक्षण में सट्टा जुआ चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी को हटाने के लिए सुनीता पटेल ने विधानसभा में धरना दिया। इसको लेकर आज विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आया था। उनका भी कहना है कि वैसे लोगों को मालूम है कि वहाँ के लोग क्या क्यों बैठते हैं, ज्यादा बात पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, अभी जो बात होगी उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, इस तरह की तमाम आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा हमने देखे हैं सनी, लेकिन ये भी विधायकों को अब समझना होगा कि जो संकट की घड़ी इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, उस संकट की घड़ी में क्या इस तरह से नाराजगी ऐसे दिखाना उचित है, या फिर जो कार्यवाही चल रही है, जो 12 विधेयक आज पेश होने हैं जिनमें उनकी सहमति जरूरी है, जो देश जो प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है वो जरूरी है, या फिर उनकी इस तरह की नाराजगी जरूरी है क्योंकि अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है सत्र को शुरू हुए? जी बिल्कुल निश्चित ही, इस प्रकार के कोरोना के साये में आज से एक दिवसीय बिल्कुल एक्चर और वर्चुअल तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के बचाव के रोकथाम को लेकर ये विधानसभा सत्र की शुरुआत की गई है। ऐसे में विधानसभा के बाहर धरना देना गांधी जी की प्रतिमा के साथ ये बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल जो सुनीता पटेल है, इनको पहले किसी के प्रदेश सरकार के गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहिए थी और मुलाकात के बाद ही ये आंदोलन कहिए करना चाहिए था, लेकिन अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। और जिस प्रकार से गाडरवारा सुनीता पटेल ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, रेत खनन और प्रतिबंध के बाद अवैध उत्खनन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन विधायकों की नाराजगी और उनका धरना प्रदर्शन भी अब देखने को मिल रहा है, जहां पर गाडरवारा से विधायक सुनीता पटेल गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गई हैं। उनकी मांगे हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में पहले गृह मंत्री से बात की या नहीं की, इस बारे में उनका अभी तक कुछ कहना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाना शुरू कर दी है।